सो हेलो गाइज वेलकम टू जीप्रो अकेडमी और आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवंथ का नीट का ये का सब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखो दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन भी दो तरीके के होते हैं पहले उससे जानो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है देखो कोई भी मोशन देखो प्रोजेक्टाइल मोशन उसको हम देते हैं टू डायमेंशन का टू डायमेंशन से मेरा कहने का मतलब है वो जो मोशन होता है ना एक होता है आपका एक्स एक्सेस में और एक होता है आपका वाई एक्सेस में

वो कभी भी चेंज नहीं करती जो उसकी वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है चाहे कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो जाए लेकिन जो y एक्सिस की वेलोसिटी होती है ना वो वेरी करती रहती है क्यों क्योंकि उस पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है अभी एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर सकती है एक्सेलरेशन एक्ट करती है यूनिफॉर्म मतलब सेम ही रहेगी थ्रू आउट यानी कि, कि एक्सेलरेशन कभी ज्यादा कभी कम नहीं 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 बट हाँ या तो एक्सेलरेशन इसके अंदर जो एक्सेलरेशन एक्सेलेशन प्लस जी के तरह एक्ट कर सकती है या फिर

एग्जाम्पल आप सोचो कि आप यहां से कोई वो ऐसे करके गिर में. जब वो ऐसे करके गिरेगी तो क्या होगा लेकिन धरती ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींची होती है अपनी एक्सलेशन जी से तो बस यही मोशन को आप समझिए अब देखो इसके अंदर क्या होगा ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये शुरुआत में अपनी इनिशियल यू से जा रहा होगा जो कि यू भी क्या होगी एक्स एक्सिस के अंदर ये क्या होगी एक्स एक्सिस के अंदर लेकिन वाई एक्सिस में उसकी वेलोसिटी नहीं है बट ये पार्टिकल को ना जैसे-जैसे आगे जा रहा है भाई आगे जा रहा है मान लीजिए नीचे ना इसको जी से कोई भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है कि भाई तू तो नीचे आ इस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलिए तो अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी ईज करने के लिए यहाँ पर इनिशियली एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी है इसकी इनिशियली एक्स में वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया होती कितनी है u और वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी देके मैंने इसको भेजा वो है 0 कोई वेलोसिटी नहीं दी मैंने इसको तो वो है जीरो। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखिए, क्या क्या इसको में कोई मैंने मैंने दी है? जी नहीं, मैंने क्या बोला था आपको पहले हमेशा का मोशन कैसा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मतलब सेम ही चलेगी अगर एक्सेलेशन होती तो वेलोसिटी कम या ज्यादा नहीं होती है कोई सभी प्रोजेक्टाइल हो रहा हो मेरा तो चलो यहाँ पर एक्सेलरेशन के क्या होगी इसके एक्सेस में जीरो लेकिन वाई एक्सेस में आपको मैंने क्या बताया इसको ग्रेविटी बोल रही है भाई तू नीचे आना भाई तू नीचे आना इसको नीचे बुला रही है नीचे बुला रही है तो क्या होगा इसमें एकसेलरे एक्सेलरेशन लग रही है प्लस जी प्लस, प्लस चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल देखो

चलो अब हम ऐसे निकालते हैं भाई वर्टिकल उसने कितना डिस्टेंस किया होगा तो देखो भाई आपको जैसे यहां पर बताया गया वर्टिकल उसने कितना डिस्टेंस किया होगा ये वाई बस अब इसका, निकालते इसका तो दोस्तों मोशन जो S ut square, अब अब डाला एस इज टू यू टी प्लस हाफ पर स्क्तने डाला देखो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट जा रही होगी आपको बोलोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट एस इसको अपने बोला ये बराबर है वाई के, क्योंकि में हो रही है और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आपको पता है मैंने इस तो आपको पर भी मैंने दिखाया तो टाइम, टाइम प्लस और हाफ और एक्सेलरेशन किसके बराबर आप सबको पता है इस केस में एक्सेलरेशन बराबर है आपके जी के बराबर तो आपने बस वही चीज को यहाँ पर डाला प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन बनकर आ गई अब आपने कहा कि यार इस इक्वेशन मैंने कुछ फीका फीका कुछ महसूस हो रहा है इसमें क्या करो टाइम की वैल्यू पता होती तो बात बन जाती तो मैंने कहा टाइम चाहिए आपको कोई बात है जिनता वाली बात ही नहीं है टाइम की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो क्या से निकाल लो कि देखो यहाँ से निकल कर क्या आएगी एक्स अपॉइटमेंट यू इज इक्वल टू टाइम बस इस इक्वेशन को लेके यहाँ पर डाल दो यहाँ पर टाइम की वैल्यू डाल दीजिए तो यहाँ पर हम डालते हैं क्या निकलेगी y इज इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू जी टी की वैल्यू कितनी यहाँ पर एक्स बाई यू तो आपने डाला एक्स बाई यू का स्क्वायर और ये बन गई आपकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू ये इक्वेशन है आपकी की इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल वो भी कौन से वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अब देखो दिखो, दिखो। ये क्वेश्चन आपको बता रही है जब किसी की भी ना डिग्री किसी इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट पावर पर डिग्री बोलते हैं हाईस्ट पावर अगर टू होती है ना तो इक्वेशन कैसी होती है पैराबोलिक इक्वेशन होती है मतलब वो पैराबोलिक बात को फॉलो करेगी तो आपको ऐसे पता चल रहा है ये भी जो आपका बात है कैसा हो रहा है पैराबोलिक आई होप ये आपको समझ आ गया होगा देखो मैंने क्या नहीं किया मैं पेन लिख कर नहीं ला आपके लिए कुछ टाइम कम लगता है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है चलो भाई अब हम बात निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की लेकिन उससे पहले आप देखो मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आप मुझे बताओ विच चीज है, है? दिखाता तो हूँ अब ये जो पार्टिकल है ये जो आपके ने पार्टिकल रखा हुआ है ये ऐसे मैंने इसको स्पीड दी है और ये बात को मेरी मान के चलो कि अगर एयर रेजिस्टेंस कोई भी चीज नहीं होगी ना मान लो कोई चीज नहीं है, जारा है, जारा है तो ये वाली वेलोसिटी बोलिए भाई मैं तुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे लेके जाऊंगा ऐसे करता हूँ लेकर चाहूंगा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं तुझे नीचे लेकर आज तो खुद ही समझो सिर्फ कौन सी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी उसको नीचे लाने के लिए टाइम ऑफ हवा में किसकी वजह से रहेगा वो विलोस्टी कौन सी वाली वाई एक्सिस की वजह से ठीक है तो चलो मैंने डाला अपनी ये वाली क्वेश्चन डालता हूँ भाई आजा इसके मुताबिक आप डालते हैं एस किसके बराबर होगा इसके अंदर भाई एच एस होगा इसके अंदर जो ये पार्टिकल इस पोजीशन से नीचे इस हाइट तक होते है इसमें और ये सारी के -सारी आप, आप कुछ भी देखो ना चाहे हाइट जो भी हम देखते हैं ना ज्यादातर ये कम्पोनेट हम हमेशा हमेशा लेते हैं वाई एक्सेस की वजह से सिर्फ एक रेंज होती है जिसके लिए हम एक्सेस वाली चीजों को कंसिडर करते हैं बस बात तो बिल्कुल दिमाग में ऐसे करके टक कर लेना भाई इसको निकलनी नहीं चाहिए चलो तो मैंने यहाँ पर डाला एस इजलक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब इसको डालना स्टार्ट करते हैं अब अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स एक्स एस वाई एक्सेस में वो बराबर है एच ठीक है एच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई एक्सेस में आपकी थी वो जीरो तो जीरो प्लस हाफ एक्सलेशन कितनी थी जी टी स्क्वायर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या जो आपका टाइम होगा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना मैं टी को ना कैपिटल टी बना थोड़ा सुंदर सा लगेगा बस बाकी कोई ऐसा नहीं है कि यार सर्दी इस वक्त कैपिटल क्या बनाया क्या इसके पीछे कोई राज है यार भाई राज वाज कुछ नहीं है इसके पीछे बस ऐसे ही बना दिया बनाया तो ऑफ कैपिटल टी आप बोलोगे एच बराबर हो गया जी बाई टू टी स्क्वायर के अब टी किसके बराबर होगा टी बराबर होगा एच देखो यहाँ पर यह क्या है डिवाइड हो पड़ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एच बाई जी Under root is equals to time of flight के बराबर ये आ गया ठीक है ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट चलिए अब हम आगे करने चलते हैं अपना काम ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया अब अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो ये तो मेरा टोटल टाइम है अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे रेंज बता दो रेंज क्या होती है रेंज होती है कि भाई अगर ये पार्टिकल यहाँ से आपने फेंका है तो कितनी दूरी तक जाके गिरेगा इसको बोला जाता है रेंज जैसे मान लो आपने इस पार्टिकल गया से फेंका तो देख रहे हो जमीन पर यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ गिरा देखो ये यहाँ से उछला और चिं होते 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 होते, होते यहाँ पर गिरा तो ये जो जिसने डिस्टेंस जो कवर किया है ना इसको बोला जाता है रेंज और ये डिस्टेंस किस में कवर किया होगा ये डिस्टेंस कवर किया होगा एक्सिस में तो यहाँ पर एक्सेक्स भी क्वेश्चन लगाऊंगा मैं सारी ठीक है तो देखो ये रेंज भी क्या है काइंड ऑफ अ डिस्टेंस ही है तो डिस्टेंस इसके बराबर पहले मैंने बताया टाइम इन टू स्पीड लेकिन कौन सी वाली स्पीड इस केस में हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चलिए मैंने वही यहाँ पर फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है तो रेंज बराबर होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ऑफ अब आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर है वो है आपकी यू के बराबर आपने डाल दिया जी रेंज हमारी बराबर होगी यू और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना अब भी तो निकाला अब बाबू ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डाल दो इसको ये क्या निकलेगा अंडर रूट टू एच बाई जी तो ये निकल कर आ आगे रेंज कितना आसान है भाई तो अब हम आगे लास्ट टॉपिक जो ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा पर, अगर ये तो गुंते, 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 यहां जो जो प्रोजेक्टाइल आपका घूमते 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 तक आ रहा है अगर मैं कि भाई अब मुझे बता दो इस पॉइंट पर इसकी विलोसिटी क्या होगी तो बस बहुत आसान है मैं अभी आपको बताता हूँ बस मैंने इस वाले पॉइंट को आपके लिए ये जो ग्राफ है ना यहाँ पर इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है देखिए इसके अंदर मैंने क्या बताया अब देखिए ये जो वी वाई ओ वी एक्स है ये इसकी क्या है, एक है कि किस से रहा था। और नीचे मैंने दिया हुआ तो है जीरो था। तो अगर मैं किसी पार्टिकल के देखता हूँ तो वो क्या था मैंने सिर्फोंटलिटी दी है वो नीचे आके क्यों गिर रहा है नीचे इसलिए गिर रहा है पहले वेलोसिटी उसकी जीरो थी लेकिन उस पर कॉन्सेंट एक्सलेशन अगर एक्सलेशन क्या होते है चेंज वेलोसिटी तो उसने उसकी चेंज किया और अब उसकी कुछ हो गई वेलोसिटी जीरो से कुछ और हो गई तो वो क्या आपकी वी वाई के बराबर लेकिन भाई वी वाई की तो वी तो कुछ बताओ तो बोला अपने क्या क्या मैंने बोला कि आप क्या करो पर फर्स्ट करो वी तो यू प्लस और और उसके मुताबिक आपने डाला वी वाई तो यू प्लस जी टी और आपको पता है यू, इसकी क्या है तो आपकी जो सिर्फ जीटी के बराबर चलिए अब आपको ये भी पता होगा लेकिन तो रिजल्ट निकाल का हमें पता है क्या होता है कभी भी रिजल्ट निकालना हो किसी का भी तो अब क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस्ट सीट आता तो सेम अप्रोच मैंने यहां पर लगाई है तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए पहले से ही के अंडरवूट वी वी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वी एक्स वी वाई थीटा लेकिन आपको पता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच जो एंगल है वो क्या है नाइनटी डिग्री तो ये जो पार्टी पूरी जो वैल्यू है वे कॉस्ट की वो क्या हो जाएगी पूरी की पूरी कॉस्ट नाइन और कॉस्ट नाइन क्या होता है जीरो तो ये पूरी टर्म हो गई जीरो तो आपके लिए बचा बस अंडर रूट में क्या बचेगा ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आएगी वो बचेगी अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर और आपको ये भी पता है कि की वीवाई की वैल्यू और वीएक्स की वैल्यू क्या है ये निकल कर आया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में u का स्क्वायर क्योंकि वी एक्स की वैल्यू क्या है u और u का किया हुआ स्क्वायर मतलब वी एक्स वी एक्स का स्क्वायर है ना ये देखिए ये स्क्वायर है ना वो स्क्वायर तो इसलिए मैंने इसका भी स्क्वायर किया प्लस में वी वाई की वैल्यू क्या है वो है सिर्फ और सिर्फ जी टी तो यहाँ पर अब लिख दीजिए जी टी का स्क्वायर बस तो आपको कोई भी बोले कि किसी इंस्टेंट मुझे वैल्यू बताइए प्रोजेक्टाइल की तो आप बता देंगे बस टाइम आपको बताओ तो टाइम डाल देंगे वैल्यू निकाल देंगे

एंगल मतलब टेन टीटा तो आपने निकाया कि टेन यहाँ पर बीटा बीटा मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा ये किसके बराबर होता है टेन बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लगा दो यहाँ पर अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सर यहाँ परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है देखो दोस्तों अगर मैं यही वाली वैल्यू को यही वाली जो वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको जी टी है अगर इसी वाली लाइन को पैरेलल शिफ्टिंग करते हुए यहाँ पर ले आऊ तो ये बन गया ट्राइंगल यहाँ पर तो आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है ये क्या है यहाँ पर एंगल और ये वन चीज बनेगी और आपका क्या बनेगा ये बनेगा आपका बेस और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर तो बस यही वैल्यूज़ को अपने यहाँ पर डालना है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या बनेगी जी टी और बेस की वैल्यू क्या बनेगी यू तो आपका निकल कर आया टेन बीटा बराबर होगा जी टी अपॉन में यू तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया अपना एंगुलर और पर अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए आप मेरी अली वीडियो को जरूर देखो आई लेव नो स्टोन आपको मजा आ रहा है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो आपको कोई भी पोर्शन होगा आपको सबरेक्टिव करेंगे और, और, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ये नोट चाहिए ना आपको तो नोट के लिए कहना है डब्ल्यू पर जाओ और फ्री में आपके नोट आपको अवेल करो और पढ़ाई करो स्टडी आर्ट बाई बाई